नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलव्य स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकलव्य स्टूडियो। तो आज हम बातें करेंगे बिग बॉस सीजन 11 की, और उससे पहले हम बातें करेंगे कि आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, अच्छे से न्यू ईयर एंजॉय करना, और हो आप सबने अपने अपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी तैयार कर लिया होगा और उस पे आप काम भी करोगे। तो बिग बॉस के बाद भी आप लोगों को कुछ तो करना होगा, तो आप लोग वो चीजें प्लान कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है और आप लोगों को वीकेंड अपना कैसे मनाना है, क्योंकि बिग बॉस होने वाला है कुछ दिन में खत्म। अब हम बातें करते हैं थोड़े से छोटे छोटे में कल के एपिसोड में, कि कल के एपिसोड में क्या हुआ था, क्योंकि मैं कल के एपिसोड का वीडियो नहीं बना पाई थी। तो बातें करते हैं कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी, बहुत सारे हंसी मजाक फन हुआ था, पेरेंट्स आए थे, फिर से वही आकाश की मॉम, शिल्पा का भाई, उसके लिए बंदगी, रॉकी, ये लोग काफी आए थे और काफी सारे सवाल भी पूछे गए थे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। एक और चीज हुई थी और वो थी कि हिना और शिल्पा को अपने गाने से एंटरटेन करना है, जो कि एंटरटेन करेगा, और वो लाइव वोटिंग थी, और लाइव वोटिंग में भी शिल्पा सबसे ज्यादा जीती क्योंकि उसने एंटरटेन किया। बट अगर गाने की बात करो तो गाने में हिना ने बहुत अच्छा गाया, और एक्चुअली वो बहुत अच्छे सिंगर है, ये बात तो कल उसने प्रूफ कर दिया कि वो बहुत अच्छा गाती है। अब हम बातें करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम बातें करेंगे कि आज था न्यू ईयर स्पेशल, और न्यू स्पेशल था तो पार्टी तो बनती है। तो आज काफी सारी पार्टी हुई और विकास की बैंड बजाई गई। विकास की बैंड बजाई गई कि जो भी उसके साथ रहता है उसको बाहर जाना पड़ता है घर से, वो किसी ना किसी तरह से बाहर चले जाता है। ज्योति, हितेन, अर्शी, प्रियांक सब ऐसे एक 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 करके उसके साथ बाहर चले गए हैं, तो उस बात का काफी ज्यादा मजाक उड़ा है। अब घर वालों को चीट भी मिला है, और वो चीट था कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में वो लोग क्या क्या करना चाहेंगे। बाकी के घर वालों ने वो चीजें दी थी, तो सबने काफी ज्यादा फन वन किया, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई थी। अब हम बातें करेंगे टास्क की। तो विकास, शिल्पा और हिना को एक टास्क मिला था, वो टास्क था पति पत्नी और वो, जिसमें कि शिल्पा उनकी वाइफ बनी थी विकास की, और हिना वो बनी थी, वो जो साइड वाली गर्लफ्रेंड होती है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्ट था उसमें, काफी ज्यादा मजा आया था, काफी लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। अब एपी फीस कलर ऑफ द वीक। तो एपी फीस कलर ऑफ द वीक था शिल्पा के लिए, और शिल्पा से पूछा गया कि आपने विकास के लिए जो बोला था कि वो 14 वीक में बाहर चले जाएंगे और ऐसा नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप क्यों ऐसे ही बोल दी थी या फिर कुछ और रीजन था। और शिल्पा ने बोला वो तो मैंने मजाक में बोला था, और ये चीजें एपी कलर ऑफ द फीस भी मान चुका है। अब हम बातें करते हैं सुल्तानी अखाड़ा की। तो सुल्तानी अखाड़ा में आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था कबड्डी, और सबसे ज्यादा जो फनी था वो कबड्डी इतने छोटे सी जगह पे, लाइक जो कबड्डी हम खेलते थे बचपन में तो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता था, बहुत बड़ा सा स्पेस होता, अब इतने छोटे में आप खेलोगे तो ऑब्वियसली तुरंत कोई ना कोई तो हारेगा। तो सारे राउंड से हिना की टीम जीत जाती है, और जब उन दोनों को चूज करना था अपने अपने पार्टनर को, तो हिना ने सबसे पहले लव का नाम लिया, और जैसे ही शिल्पा ने नाम लिया पुनिश का, हिना ने चेंज करके विकास कर दिया। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई और हिना की टीम जीत गई तीनों ही राउंड में, शिल्पा की टीम एक भी राउंड में नहीं जीती, और ये बहुत अच्छी सी चीज थी क्योंकि विकास जो कि इतने लंबे थे, हिना ने भी काफी अच्छा खेला, और आकाश तो वो तो है ही स्पोर्ट्समैन, वो तो हमेशा बोलता है मैं तो हूँ स्पोर्ट्समैन, तो वो जीत गए हैं हिना की टीम, और हिना बहुत ज्यादा खुश थी कि मुझे पहली बार मेडल मिल रहा है। अब हम बातें करते हैं, अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन है तो बाहर से लोग तो एंजॉय करने आएंगे ही, तो बलराज जो कि एंटरटेनमेंट की रात में आते हैं वो आए थे, और घर में उन्होंने काफी सारी मस्ती की, काफी सारे सबके साथ मजाक उड़ाया। एक और बहुत ही अच्छी चीज हुई कि उन्होंने विकास और शिल्पा से जो सवाल पूछा, और हिना से जो सवाल पूछा, वो चालू और वैम का जो उन्होंने मजाक उड़ाया वो बहुत ही ज्यादा फनी था। आकाश को भी बुलाया गया और आकाश को पड़े बहुत सारे थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बलराज ने कहा कि काफी एंटरटेन किया। आज का शो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ओके ओके से था, सिंपल से था, कुछ वैसे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, तो मुझे इसलिए बहुत ओके ओके लगा। तो अब हम बातें करेंगे कि अवार्ड, अब न्यू ईयर है और अवार्ड ना मिले ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो काफी सारे अवार्ड मिले घर वालों को, जिसके बारे में हम अभी बातें करेंगे। और वो अवार्ड था मोस्ट लड़ाकू
कौन है। तो उसमें से आकाश और हिना का बहुत ज्यादा नाम था, तो जिस तरह से क्लिप दिखाई जा रही थी मुझे लगा कि शायद वो हिना को मिलेगा, बट वो हिना को नहीं मिला और वो आकाश को मिला। उसके बाद फ्लिप अवार्ड भी आकाश को ही मिला, जो कि घर में बहुत ज्यादा फ्लिप होते रहता है, कभी इसके पास कभी उसके पास। डबल ढोलकी में लव को मिला, और लव का जो क्लिप दिखाया गया था हिना और प्रियांक के साथ, वो उससे ऐसा लगा कि लव की तो गई, पूरी की पूरी बैंड बज गई लव की। उसका फेस का एक्सप्रेशन देखने वाला था, क्योंकि उस पूरे क्लिप में उसने हिना और प्रियांक की ही बुराई की है, बट हिना ने उस चीज को काफी ज्यादा कंट्रोल वे में लेते हुए उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि जब तुम लोगों से लड़ाई होती है तो मैं उधर जाके उधर की बातें करता हूँ, बुराई करता हूँ, ताकि उन लोगों से जान सकूं। तो ये पोल अब हिना ने खोल दी है। अब हिना के पोल खोलने के बाद उधर से आने पे क्या रिएक्शन होगा, ये तो हमें बाद में देखने को मिलेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग अवार्ड, पागल प्रेमी जोड़ी अवार्ड, वो था पुनिश और आकाश को मिला, जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। और सर्वज्ञानी अवार्ड मिला विकास एंड हिना में से विकास को, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं हमेशा ही ड्रामा क्वीन। ऑब्वियसली हिना को ही मिलना था ये अवार्ड। और लास्ट अवार्ड फीजी सदस्य अवार्ड, वो भी मिला आकाश को। और उसके बाद घर वालों के लिए केक और शैंपेन मंगाई गई, जिसमें घर वालों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया न्यू ईयर पार्टी के लिए। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो मैं आपको बताती हूँ, और वो थी कि जब आपने कल वाला एपिसोड देखा होगा, उस एपिसोड में रॉकी ने हिना को एक सजेशन दिया कि हर सीजन में एक जो आता है सूटकेस वाला एपिसोड, जब टॉप फोर बचे जाते हैं, उसने एक सजेशन दिया कि बेबी आप सूटकेस मत लेना। और हिना उस बारे में ही बात कर रही है, हिना इस बारे में सोच रही है क्या रॉकी ने जो बोला, क्या वो एक इशारा था कि मुझे सूटकेस लेना चाहिए, मुझे सूटकेस नहीं लेना चाहिए, क्या मैं एक्चुअली नहीं जीत सकती हूँ, क्या विकास शिल्पा मुझसे ज्यादा खेल रहे हैं, क्या बाहर में मैं उतना कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इतने सारे सवाल जो हिना के दिमाग में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। उसे एक टाइम था जब उसे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर, मैं ही ये शो जीतूंगी, जब वो सब दोस्तों को बोलती रहती थी कि यार तुम लोग चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, तुम लोग चले, मतलब उसे पता था कि वो फिनाले तक तो रहने वाली हो, अब उसे ऐसा लग रहा है, तो प्लीज कोई जाके उसे समझाओ कि उसका इशारा ऐसा नहीं था कि वो सूटकेस लेके चले जाए, उसका इशारा था कि आप फाइनल तक रहो, जीते कोई भी, अगर आप नहीं भी जीतते हो तो इट्स ओके, बट वो शायद नहीं समझ पा रही है। उसी बीच में लव आए, और लव के आते ही जब लव ने पूछा क्या हुआ, तो वो बोलती कि नहीं मैं सोच रही हूँ कि वो चालू और वो वैम्प वाली बातें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं बेइज्जती होते होते बच गई। और फिर वही आ गए वो लोग चीट वाली बातों पे, जिसमें लव ने लिखा था कि आप न्यू ईयर का जो रेजोल्यूशन है उसमें आप कम बॉसी बने। अब कम बॉसी बने, हिना को ये चीजें बुरी लगी है, उसने बोला कि अगर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इसमें क्या गलत है। हिना ने बोला कि आप भी कुछ ऐसी चीजें करते हो लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, ऐसे बोलना चाहिए था। तो लव ने बोला ठीक है आप बोल सकते थे, लेकिन मुझे एक चीज लव की बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो उसके दोस्त हो या कोई भी हो, अगर उसे लगता है कि वो गलत है तो वो एटलीस्ट वो बोलता है कि भाई तुमने गलत किया है। बहुत टाइम आपने भी ये नोटिस किया होगा कि उसने लव ने बहुत टाइम हिना को भी बोला क्लियरली कि तुम ऐसा करती हो तुम वैसा करती हो, बट हिना उसको उस वे में नहीं लेती, हिना उसको गलत वे में लेके जाती है, जैसा कि आज भी उसने लिया, और आज भी उसने बोला ओके ठीक है खत्म कर दो इस बात को। तो मतलब कहीं ना कहीं लव और हिना की जो एक बॉन्डिंग थी वो ऑलरेडी अलग तो हो ही चुकी है, और जब फिनाले की बात आएगी तो ऑब्वियसली लव किसी को भी नहीं चुनने वाला है, ना ही वो हिना को चुनेगा, ना ही वो शिल्पा, ना ही वो विकास, किसी को भी चूज नहीं करने वाला, वो अपने लिए खेलेगा। और एक्चुअली ये सही टाइम भी है कि सबको अपने लिए ही खेलना चाहिए, किसी और के लिए नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट के कुछ टाइम ही बच गए हैं, कुछ वीक ही बच गए हैं, तो अब अपने लिए खेलो और जीतो। और कोई भी जीते उससे हमें तो कुछ नहीं, हम तो बस अपना रिव्यू देंगे, जो अच्छा खेलेगा उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, जो खराब खेलेगा उसके बारे में खराब बोलेंगे। ये हमारे चैनल का हमेशा से रहा है और हमेशा ऐसे ही करते जाएंगे, और हम हमेशा न्यू अपडेट्स भी देते जाएंगे बिग बॉस के बारे में। अब कल की बातें करते हैं कि कल का जो प्रोमो हमें दिखाया गया था, उस प्रोमो में हमें दिखाया गया कि जो टॉप सिक्स वाले जो रैंक है वो रैंक देना है, और इस चीज के लिए कितनी ज्यादा लड़ाइयां होती है, कितने ज्यादा हंगामा होते हैं, ये तो आप लोगों को सबको पता है। तो कल का एपिसोड देखिए
और न्यू ईयर ऐसे ही हंसते हंसते सेलिब्रेट कीजिए और आप सबको हमारे यानी एकलव्य स्टूडियो की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बाय गुड नाइट हैप्पी न्यू ईयर